बनाया था वो। इस तरफ बाबा रामदेव जी, ये भी मंदिर ही बन रहा है, ये भी राम जी का मंदिर ही है। फ्रेंड इनका कहना है जी ये सुबह भी आते हैं, सेवा वगैरह करते हैं इधर पे। हेलो फ्रेंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको राम मंदिर दिखाने जा रहा हूँ जी, यानी राम जी का एक मंदिर है जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में भी बनाया गया है। तो किस तरह से वो मंदिर है, किस तरह से वो बनाया गया है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपने जी बने रहना है। तो आप देख सकते हैं जी ये है जी मंदिर, और ये राम जी का मंदिर है जी, यहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों ने बनाया है जी। फ्रेंड्स देख सकते हैं जी इस तरह से है जी ये राम मंदिर, यहाँ पे फूल वगैरह लगाए गए हैं, और देखें जी छत वगैरह जो है वो पक्की डाली गई है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जी डेकोरेट किया गया जी। फ्रेंड्स आगे चल के दिखाते हैं आपको जी, तो यहाँ पे हमारे भाई भी आए हुए हैं जी, इनसे भी पूछते हैं। तो सर जी राम राम। जय श्री राम। तो क्या नाम है भाई आपका? हाकम राम। तो हाकम भाई आप कहाँ रहते हो? चाकठानवे। अच्छा चाकठानवे में रहते हो। तो ये मंदिर जो है वो किसने बनवाया यहाँ पे? ये सदुपति ने बनाया था वो। अच्छा सदुफकीर ने बनाया, वो शहर में रहते। तो ये किसका मंदिर है जी? कबीरनाथ। ये यानी मंदिर किसका है? राम जी का। राम। तो फ्रेंड्स ये देखें जी राम जी का मंदिर, तो आप यहाँ पे विजिट करने आए हुए यानी? सही हो गया, ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स ये भी भाई इधर आए हुए हैं जी, तो देख सकते हैं जी इस तरह से है जी मंदिर। यहाँ पे सामने लिखा हुआ जी कि हम आने वाले तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं जी, गुरु सुखदेव जी यहाँ पे, और नीचे मुनीर नाथ समाजी कारकुन यहाँ पे, और भी जो भाई वगैरह हैं तो उनका भी यहाँ पे जिक्र है। फ्रेंड्स ये जी राम मंदिर है जी, जो कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जो है हमारे हिंदू भाइयों ने बनाया है। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप इस तरह से है जी, यहाँ पे तस्वीरें वगैरह लगाई गई हैं जी, हमारे तमाम देवी देवताओं की जो है वो यहाँ पे तस्वीरें वगैरह लगाई गई हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। इस तरह से है जी मंदिर, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कृष्ण भगवान की तस्वीर लगाई गई है जी, इस तरफ बाबा रामदेव जी देख सकते हैं जी फ्रेंड्स, इस तरफ शिव जी। तो ये है जी मंदिर, तो बहुत खूबसूरत तरीके से फ्रेंड्स इन्होंने बनाया गया जी। बाकी देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे फूल वगैरह भी ये लगाए गए हैं जी, ये राम मंदिर का जब इंडिया में जब राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था तब इधर भी ये जो खुशी मनाई गई थी, और उसी दिन के ये फूल वगैरह लगाए गए हैं। बाकी आपको दिखाते हैं कि जो यहाँ पे मेहमान वगैरह आते हैं तो उनके लिए भी ये देखें बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया है, देख सकते हैं आप चारपाइयाँ वगैरह उनके लिए रखी गई हैं जी, बहुत सफाई का बहुत ध्यान रखा गया फ्रेंड्स इधर तो, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर देखें तो ऊपर पंखे भी लगाए गए हैं जी, ये हवा के लिए दोनों पंखे लगाए गए हैं जी। इस तरह से है जी ये मेहमानों के लिए, अभी जो है इसकी कंस्ट्रक्शन का जो है काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं उस तरफ ये मंदिर है, इस तरफ ये वाला, और इस तरफ आप देखें तो अभी जो है इसका काम जारी है, अभी जो इसे यहाँ पे यानी इसे बनाया जा रहा है, यानी अभी इसे बड़ा करके बनाएंगे ये। तो हाकम भाई इधर ये क्या बना रहे हैं? अच्छा ये भी मंदिर ही बन रहा है, ये भी राम जी का मंदिर ही है, देख सकते हैं जी ये अभी बना नहीं है लेकिन अभी बना रहे हैं, गार्डर वगैरह इसमें डाल दिए गए हैं और छत वगैरह जो है वो अभी डालनी है। तो देख सकते हैं जी ये भी मंदिर के लिए जो है वो बनाया गया है फ्रेंड्स, तो देखें जी इस तरह से है जी ये राम जी का मंदिर। और इस तरफ सामने देखें तो यहाँ पे कोई सब्जियाँ वगैरह लगाई गई हैं, देखें तो पौधे वगैरह जो है वो लगाए गए हैं, दरख्त फ्रेंड्स ये है जी सफ़ेदे का दरख्त आप देख पा रहे होंगे जी। इस तरफ वॉशरूम वगैरह भी है, तो वॉशरूम का इंतज़ाम भी किया गया फ्रेंड्स, देखें जी इस तरह से है जी राम जी का मंदिर। तो इस तरफ जो है वो मेहमानों के लिए जगह बनाई गई है, चारपाइयाँ वगैरह रखी गई हैं, और सामने जो है ये राम जी का मंदिर है फ्रेंड्स। तो हाकम भाई ये हमारे तमाम हिंदू इधर आते हैं सेवा के लिए? अच्छा रोज़ आते हैं यानी, तो आप इसी गाँव में रहते हो? इस गांव में और कितने हमारे हिंदू रहते हैं यानी? बहुत 150 रहते हैं। अच्छा यानी ज्यादातर यहाँ पे हिंदू रहते हैं, यानी 80-90% यहाँ पे हिंदू है, ऐसे ना? तो सही हो गया। तो इधर आपको कोई चीज की कमी वगैरह तो नहीं है यानी? कोई तंग वगैरह तो नहीं करता इधर कोई भी? तो फ्रेंड्स देखें जी शाम को आते हैं, सेवा देव करते हैं, सुबह भी तो आते हैं, और सही हो गया।
तो फ्रेंड्स इनका कहना है जी ये सुबह भी आते हैं, सेवा वगैरह करते हैं इधर पे, पूजा वगैरह करते हैं, और शाम को भी आते हैं, और इधर इन्हें किसी चीज की भी कमी नहीं है। तो ये मंदिर है, और ये कौन बनवा रहा है हाकम भाई? तो ये देखें फ्रेंड्स, ये सदु फकीर हैं जो ये मंदिर बनवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।